हेलो फ्रेंड्स, कुक टेस्टी फूड बाय वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम सेव बनाने जा रहे हैं, बेसन का सेव। फ्रेंड, त्योहारों का सीजन आ रहा है तो अब हम आपको अलग अलग चकली जैसा हम बता चुके हैं, तो अब हम आपको बेसन का हम सेव बनाने बता रहे हैं। तो उसके लिए हमने इस छोटी कटोरी से हमने 1.5 कटोरी बेसन लिया हुआ है, और इसमें अब हम थोड़ी सी पहले अजवाइन पहले हाथों से आप ऐसे कर लीजिए, फिर सब में फैला दीजिए अजवाइन। और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच से कम हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच के इतना हमने लिया हुआ है, और 1/6 चम्मच से 1.5 चम्मच नमक, और 1/2 चम्मच इसमें हम ले लेंगे सब्जी का मसाला, इसे और भी टेस्टी लगेगा ये। और 1/6 चम्मच से 3 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल लेंगे, और इन सबको हम अच्छी तरीके से हाथ से मिला देंगे, और इसमें हमने थोड़ा गुनगुना पानी लिया हुआ है, हल्का गुनगुना पानी, ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम मिला लेंगे अच्छी तरीके से फ्रेंड। और इसमें हम 1/2 चम्मच से कम एक मतलब बहुत ही थोड़ा हम इसमें खाने का सोडा भी मिलाएंगे, और अब इसका हम एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। फ्रेंड देखिए, इसका हमने अच्छा सा डो तैयार कर लिया है, देखिए इस तरीके से। और अब इसमें हमें थोड़ा सा थाली के अगल बगल हमें ऑयल लगा देना है, और अच्छी तरीके से तेल जहाँ भी थाली में लगाए चारों अच्छी तरीके से थाली में जितना तेल लगाए सर हमें इस डो में लगा लेना है। इसे क्या होगा, हमारा डो तेल लगाने से एकदम बिल्कुल अच्छा न ज़्यादा सॉफ्ट है, देखिए न ज़्यादा ये सॉफ्ट है न ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही बढ़िया हमारा सेव का डो तैयार हुआ है। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए रख देना है, और तब हमें सेव बनाना शुरू करना है। देखिए, इसका हमने अच्छा सा डो तैयार कर लिया है, और फ्रेंड सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमने इसमें हींग भी डाला हुआ है थोड़ा सा, ये हम आपको बताना भूल गए थे। तो हींग ऑप्शनल है, अगर आपको लगे तो आप डाल सकते हैं, अच्छा लगे तो आप डाल सकते हैं हींग, नहीं तो फिर आप मत डालिए। लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी ज़रा सी हमने एक चुटकी हींग डाला है, इसमें हींग डाला हुआ है जिससे कि इसका स्वाद और भी अच्छा लगता है। और अब इस डो को एक बार फिर से बनाने से पहले हाथ से इस तरीके से आप कर लीजिए, और अब ये हमने सेव मेकर लिया हुआ है, और ये हमने सेव मेकर लिया है, इसमें हमने ये वाली प्लेट डाली है जो सेव बनाने वाली प्लेट होती है, इसमें कई प्लेटें आती है लेकिन आप ये वाली प्लेट डाली है सेव बनाने के लिए। और थोड़ा सा इतना ये डो निकाल कर और हाथ से इसे अच्छी तरीके से ऐसे कर लीजिए, मथ लीजिए अच्छी तरीके से। मथने के बाद आप इसमें डाल दीजिए, देखिए ये ज़रूर आप याद रखिए कि इसके अंदर आप पहले ऑयल लगा दीजिए अच्छी तरीके से। और अब ये सेव बनाने वाली जो मशीन है मेकर, इसे हम पहले आप इसे खोल लीजिए यहाँ से, इसे आप पहले अच्छी तरीके से खोल लीजिए, देखिए पूरा खोलने के बाद बड़ी ही आसानी से ये बंद हो जाती है। और फिर हमने गैस पे हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने, ये हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है, पहले आप थोड़ा सा एक बेसन का एक छोटा सा ऐसा बॉल डालकर आप चेक करिए तेल आपका अच्छी तरीके से हुआ या नहीं, देखिए तेल हमारा अच्छी तरीके से हो चुका है।
देखिए फ्रेंड, तेल अच्छी तरीके से हो चुका है। अब ये जो हमारी मशीन है, इसे आप पहले ऊपर से ऐसे 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 करके घुमाइए। यहाँ पर आप धीरे से ऐसे पकड़े रहिए, ऊपर से आप घुमाते जाइए। और यहाँ से आप इसे तोड़ दीजिए और गैस की फ्लेम को कम कर दीजिए। इसी तरीके से आप साइड में भी बना लीजिए। अब आप गैस की फ्लेम को हम तेज कर देंगे और इसे हल्का सा ऐसे ऐसे कर देना है। अब आप इसको थोड़ा सा एक तरफ हो जाइए ताकि दूसरी तरफ आप पलटिए, नहीं तो ये कच्चा रह जाता है। देखिए ये अच्छी तरीके से हो जाएगा तो अपने आप ही छोड़ देगा तेल में। और अब गैस की फ्लेम को हमें कम कर देना है। अब इसे और नहीं तलना है हमें, नहीं तो ये जल जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। और अब एक थाली में आप एक प्लेट में आप एक आप कागज बिछा लीजिए या तो आप टिश्यू पेपर बिछा लीजिए। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप कोई भी घर में सिंपल पेपर है तो उसमें आप बिछा लीजिए थाली में। और अब इसे हम तेल से बाहर निकाल देंगे। फ्रेंड देखिए, इसी तरीके से हम इसी तरीके से हम अपना बचा हुआ जो इसमें डो है उसका भी बना लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी सेव भी बना लेंगे। यहाँ से हमें इसे तोड़ देना है इस तरीके से। पहले इसे हमें, आप देखिए, यहाँ से पहले इसे घुमाना है हमें। यहाँ से घुमा के हमें इसे यहाँ से तोड़ देना है इस तरीके से। देखिए बाकी फ्रेंड त्यौहार आ रहे हैं आप, और आपके घर में वैसे भी नमकीन ना हो तो आप ऐसे बना कर रख लीजिए। आपको बाहर से नमकीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया नमकीन इससे बनती है घर में। बाहर का जो आप सेव लेते हैं बिल्कुल उसी टेस्ट वैसे ही लगेगा और घर का हमारा शुद्ध सेव भी बन जाएगा। और गैस की फ्लेम को हम तेज कर देंगे और इसे इस तरीके से इसे भी तल लेंगे। फ्रेंड देखिए, इसी तरीके से हमें बीच बीच में ऐसे ऐसे आप चला लीजिए। फ्रेंड त्यौहार का दिवाली आ रही है तो आप दिवाली में त्यौहारों में आप इस तरीके से आप घर में ही सारी नमकीन आप तैयार करके आप रख सकते हैं। बीच बीच में आप थोड़ा सा इस तरीके से पलट दीजिए। अगर इसके बाद हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ही क्रंची हो जाता है। अब गैस की फ्लेम को हमें कम कर देना है और इसे हमें बाहर निकाल लेना है। देखिए हमने बना लिया है
ये सारे सेव, अब ये देखिए ये बिल्कुल क्रंची हो गया है देखिए। और ये जब इसे आप छुड़ा सकते, जो ये देखिए इसे आप जिसमें ऐसा लगा हुआ है इसे आप छुड़ा सकते हैं, देखिए इसे आप हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं, इसे आप अलग अलग कर लीजिए, देखिए बहुत ही क्रंची बना हुआ है, क्रंची बना है देखिए। और अब क्या करना है, आप थोड़ा सा कड़ी पत्ता, ये हमने थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया हुआ है, इसे हम तेल में डाल देंगे, गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है और इस कड़ी पत्ते को हमें कटोरी में निकाल लेना है। फ्रेंड देखिए अब ये जो कड़ी पत्ता देखिए हमने तेल में फ्राई किया हुआ है, इसे हाथ से इस तरीके से आप चूरा चूरा कर दीजिए और इसमें अच्छी तरीके से मिला दीजिए। और आप एक ऐसे खाली डिब्बा ले लीजिए प्लास्टिक का, इसमें आप इसे स्टोर करके आप रख लीजिए। देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा सेव बना हुआ है, देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा सेव बना हुआ है। ये देखिए इस तरीके से आप तरीके से आप मिला लीजिए। फ्रेंड हमारी सेव की रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए आपको मैं तोड़ के दिखा रहा है, बहुत ही बढ़िया क्रंची बना हुआ है, ये देखिए देखिए बहुत ही क्रंची बना हुआ है। तो फ्रेंड देखिए आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिए और इसे आप देखिए इसे आप इस तरीके से ढक्कन लगा के आप इसे आप चाय पीने के लिए आप और इसे ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर आप इस तरीके से आप डिब्बे में आप रख दीजिए और चाय पीने के लिए जब भी कोई मेहमान आप तब भी दे सकते हैं और आपके घर का आपका शुद्ध नमकीन भी बन जाएगा। हमारी सेव की रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिए प्लीज़। नमस्कार फ्रेंड्स।